का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, जो बहुत ही सारे ऐसे क्वेश्चंस इसमें धर्म से संबंधित यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, एमसीक्यू मस्ट चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि एक अंक वाला, एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है वह वस्तुनिष्ठ कहलाता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मन जो किया उसी में टिक लगाने वाला, यानी कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। और ये वैसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो चुके हैं, कई बार इन्हें पूछा गया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही खास क्वेश्चन के बारे में। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह क्या कहता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस धरती पर सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जो संस्थापक माने जाते हैं, तो वह थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी थे जिन्हें एशिया महादेश का पुत्र कहा जाता है, सूरज कहा जाता है, दीपक कहा जाता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म यानी कि उनका बर्थ प्लेस कहाँ है, किस जगह है, तो उनका जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो कि कपिल वस्तु के यह एक ग्राम का नाम था, लुम्बिनी, यह आज नेपाल में स्थित है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। कपिल वस्तु जगह का नाम है लुम्बिनी ग्राम के, यानी गांव का नाम था। आज यह जो जगह है कपिल वस्तु वह नेपाल देश में आता है आज। तो गौतम बुद्ध का यह जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। यह जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था उनका, तो बचपन का जो नाम था वह था सिद्धार्थ नाम था, वह सिद्धार्थ नाम था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस क्षत्रिय में उनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था, शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, गौतम बुद्ध, गौतम शुरू में गौतम के नाम से इन्हें जाना जाता था, बचपन का जो नाम था वह सिद्धार्थ के रूप में जाना जाता था, लेकिन यह बुद्ध कब कहलाए, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध का अर्थ जो होता है एक संपन्न व्यक्ति, ज्ञान से संपन्न व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति की जगह कौन सी थी, गौतम बुद्ध का कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह था जो जगह था वह बोध गया, गया जो कि बिहार का एक जिले का नाम है, बिहार राज्य में यह पड़ता है, बिहार राज्य के बोध गया जो जिला था उसी गांव में, बोध गया गांव में, जिले में, वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ का वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत यानी ज्ञान के प्राप्ति के बाद ही वे महात्मा बुद्ध कहलाए थे, वह बुद्ध कहलाए थे जो काफी प्रचलित हुए थे और बहुत सारे उन्होंने प्रचन भी दिया था। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम प्रवचन किस जगह उन्होंने अपना दिया था, कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर सबसे पहले गौतम बुद्ध, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वह बुद्ध कहलाए, और बुद्ध के बाद कहां कहां अपना धर्म प्रचार प्रसार के लिए वे गए, और सबसे पहला प्रवचन कहां दिए थे, तो वह सारनाथ में दिए थे, वह सारनाथ जगह पर सबसे पहला प्रवचन उन्होंने अपना उपदेश या प्रवचन एक ही बात हुआ, उपदेश दिए थे, वह सारनाथ में दिए थे। प्रवचन क्या कहलाता है, देखिए समझते हैं, प्रवचन गौतम बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिया गया वह क्या कहलाता है, तो वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस जगह पर हुई थी, तो वह हुई थी
कुशीनगर में, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, जातक ग्रंथों किस धर्म की ग्रंथि है, कौन सी ऐसी धर्म ग्रंथ की ये पुस्तक है जिसका नाम है जातक। वह बौद्ध धर्म पुस्तक की यह ग्रंथ सबसे शुभ ग्रंथ मानी जाती है। बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा जो किताब यानी ग्रंथ जो पढ़ाई जाने वाली, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जो पुस्तक है, किताब है, वह जातक ग्रंथ है यानी कि पुस्तक है। नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिपिटक किसका ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक तीन चीजों का महत्व बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। कौन कौन से, देखिए बौद्ध धर्म में कौन कौन से दिए गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन चीजें हैं जिन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। तो यह धर्म बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है। ये तीन त्रिपिटक जो है, बुद्ध, धर्म और संघ, यह जो है वह किन भाषा में इन्हें निरूपित किया गया, लिखा गया है, किस भाषा में इन्हें बनाया गया है। तो वह पाली भाषा में निर्माण किया गया था, बनाया गया था, यानी रचना वाली जो भाषा थी वह पाली भाषा में थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन प्रवचन कहाँ दिए थे, वह जो उपदेश दिए थे वह सारनाथ में दिए थे। वह सारनाथ जगह पर सबसे पहला उन्होंने उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एशिया का, एशिया महाद्वीप का, एशिया महादेश का जो है वह पुत्र कहा जाता है, यानी रोशनी कहा जाता है, दीपक कहा जाता है, उजाला कहा जाता है। तो वह कहा जाता है गौतम बुद्ध को, एशिया का उन्हें पुत्र कहा जाता है, रोशन करने वाला पुत्र, रोशनी चारों तरफ फैलाने वाला पुत्र कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया सन, लाइट ऑफ एशिया सन के नाम से उन्हें जाना जाता है, गौतम बुद्ध को। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं और सारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश शासन का, बौद्ध धर्म का जो उपदेश का जो शासन काल चला था वह किनके शासन काल के बीच चला था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जैन धर्म के भी शासन काल किनके बीच चला था, तो वह चला जो था वह बिंबिसार, बिंबिसार के शासन काल के समकालीन थे। देखिए समझिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध समकालीन थे वे किसके समकालीन थे, और जैन धर्म के भी महावीर स्वामी जो थे वह किसके समकालीन थे, ये क्वेश्चन यहाँ से उठता है, बनाता है। तो वह जो समकालीन थे वह हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का जो पुत्र का नाम था वह अजात शत्रु नाम था। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका दुनिया में कोई भी इनेमी ना हो, कोई भी दुश्मन ना हो, उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, बिंबिसार के बेटा अजात शत्रु, दोनों ही एक दूसरे को ही ये शादी ब्याह करने में ही बहुत बदमाश थे, जानिए रहे हैं आप लोग। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन का, बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक प्रवचन कहाँ पर उपदेश इन्होंने दिया था, वह दिए थे श्रावस्ती में, श्रावस्ती जगह पर इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, गौतम बुद्ध का गुरु का क्या नाम था, गौतम बुद्ध के गुरु का यानी ऋषि का क्या नाम था, तो वह जो नाम था अलार कलाम, जो कि एक ऋषि थे और यह सांख्य दर्शन के महान विद्वान थे, महान ज्ञाता थे, महान पंडित थे। अलार कलाम जो थे वह महान एक गुरु थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को शिक्षा दीक्षा दी थी। अलार कलाम जो थे वह सांख्य दर्शन के एक महान ऋषि थे, महान गुरु थे। नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध धर्म में त्रि इंगित क्या चीज करता है, बौद्ध धर्म में तीन चीजों का सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, वह क्या चीज को संकेत करता है, क्या चीज को दर्शाता है यानी कि इंगति करता है। तो वह इंगति जो करता है बुद्ध का और धम्म का और जो करता है संघ का, ये तीन चीजों को दर्शाता है, तीन चीजों को संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत सभा कहाँ आयोजन की गई थी, तो वह आयोजन जो की गई थी वह राजगृह में आयोजन की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं,
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुनी संघ की जो स्थापना हुई थी वह सारनाथ पाटलिपुत्र में हुई थी। वह सारनाथ पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अशोका राम विहार कहाँ स्थित है? अशोका राम विहार कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है वह पाटलिपुत्र में स्थित है। पटना शहर जो कि आज बिहार की राजधानी है, पटना का जो पुराना नाम था वह पाटलिपुत्र ही नाम था। पाटलिपुत्र से पटना कौन बनाया था? तो वह जो बनाया था वह ग्रैंड ट्रंक रोड जिसने स्थापना की थी भारत में, जो 2400 किलोमीटर था, वह शेरशाह सूरी यानी कि शेरशाह सूरी यानी कि शेर खान की जिसे उपाधि दी गई थी, शेरशाह सूरी यानी कि जिसका मकबरा है सासाराम बिहार में, उन्होंने ही पाटलिपुत्र से पटना शहर का नाम दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या चीज है? बुद्ध जो अपना गृह त्याग कर दिए थे, घर का त्याग कर दिए थे, छोड़ दिए थे, तो उनका जो था वह चिन्ह क्या चीज है, प्रतीक क्या चीज है? तो वह जो चीज है वह घोड़ा है। घोड़ा जो उनका नाम था, घोड़े का जो नाम था वह कंथक था, और सारथी का जो नाम था वह चिन्ना था, वह चन्ना था सारथी का नाम, यानी कि जो घोड़ा पर जो कमान चलाता है, साधता है, किस डायरेक्शन में घोड़ा यानी रथ सवारी ले जानी है, उसे सारथी कहा जाता है। जो घोड़ा का नाम था वह कंथक था, और चना का जो नाम था, सारथी का नाम चना था। नेक्स्ट बात करते हैं। ज्ञान प्राप्ति वाली पेड़ कौन सी थी? गौतम बुद्ध की जो प्राप्ति हुई थी ज्ञान की, वह किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो वह हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीत किस जगह पर प्रवचन आयोजित की गई थी? तो वह जो की गई थी वह पाटलिपुत्र में ही की गई थी आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली ऐसी कौन सी महिला थी? तो वह थी गौतम बुद्ध के सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने पालन पोषण किया था, भरण पोषण उनका किया था। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना 25 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से संबंधित, जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में रिपीट किए जाते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।